दंगल सजा हुआ था, तमाम लोग अखाड़े में मौजूद थे। अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान को एक युवा ने पटक दिया। वो पहलवान अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान को पटकता है। जोरदार तालियां बजने लगती है। उस युवा की नजर नत्थू सिंह पर पड़ती है और नत्थू सिंह की नजर उस युवा पर पड़ती है। नत्थू सिंह, वो समाजवादी नेता जिन्हें समझ में आ गया था ये वो पहलवान है जिसे सियासत के अखाड़े में उतारा गया तो इसे हरा पाना मुश्किल होगा। नत्थू सिंह ने उस युवा पहलवान के हाथ में प्रचार की कमान थमा दी। जसवंत नगर की सीट थी, नत्थू सिंह चुनाव लड़ रहे थे और अपने चुनाव प्रचार की भाग दौड़ नत्थू सिंह ने किसी और को नहीं बल्कि उसी युवा को सौंपी और नत्थू सिंह चुनाव जीत जाते हैं। वो युवा कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। वो वक्त था, वो दौर था 1966 का। यकीनन कल्पना से परे है कि कोई शख्स अखाड़े से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जाता है। लोग कहते हैं वो राम मनोहर लोहिया के चेले थे, मगर ये कहना गलत होगा क्योंकि लोहिया ने मुलायम के संघर्ष को तब देखा जब वो संघर्ष के दौर में थे और वो वक्त था 1966 का। पन्ने दर पन्ने पलटेंगे तो याद आएगा कि लोहिया के साए तले राजनीति का दौर शुरू हुआ। समाजवादी विचारधारा की नींव को मजबूत करने का जिम्मा लोहिया ने मुलायम सिंह यादव को सौंपा। राजनीति की प्रयोगशाला मुलायम सिंह यादव ने शुरू की। सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत राजनीति के तौर पर मुलायम उसके सबसे माहिर खिलाड़ी बन गए। गैर कांग्रेसी वादी होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद तक के दावे को मजबूत करने वाले मुलायम सिंह यादव ये वही शख्स थे, इसलिए कोई साधारण मुलायम नहीं बन पाया। गैर कांग्रेसी वाद के नारे के खिलाफ मंडल और कमंडल के दौर में भी काशी राम को भी साथ लिया और कल्याण सिंह को भी साथ लाने का मादा रखा। कल्याण सिंह को व्यापक विरोध के बावजूद कांशी राम से समझौता तक किया और जब कांशी राम फिसल गए तो अपनी सियासत को अल्पसंख्यकों के सहारे जिस बारीकी से ताना बाना बुना वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1954 में वो दौर था जब मुलायम स्कूल में पढ़ा करते थे। इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। सिंचाई दरें बढ़ने का फैसला होता है, आंदोलन का ऐलान होता है और समूचे यूपी में यह आंदोलन शुरू होता है। तब बताया जाता है कि मुलायम 15 बरस के थे। उसी दौर में लोहिया इटावा शहर में आए। कहते हैं मुलायम का पहले संघर्ष की गाथा यहीं से शुरू हुई। लोहिया से पहली सीधी मुलाकात 1966 में हुई। इस तारीख को याद करिएगा, 1966 में सीधी मुलाकात लोहिया से किसी और ने नहीं बल्कि नत्थू सिंह ने करवाई। नत्थू सिंह कौन? जसवंत नगर सीट जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में किया था, और वही नत्थू सिंह जो मुलायम सिंह यादव को राजनीति के मैदान में लेकर आए, दंगल में लेकर आए, जिनके प्रचार तंत्र की बदौलत मुलायम सिंह यादव ने खुद को राजनीति के अखाड़े में साबित किया। उसी नत्थू सिंह ने लोहिया से उनकी मुलाकात करवाई। कहा जाता है कि तभी मुलायम को लोहिया ने गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र सीधे तौर पर यही था कि जिस दिन कांग्रेस को साधना सीख जाओगे उसी दिन सियासत में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यह बात मुलायम सिंह यादव के जहन में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। संजोग देखिए, 1966 आया, जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह विधायक के उम्मीदवार बनते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता लखन सिंह को उसी अखाड़े में जो उनका अपना अखाड़ा था, और कहते हैं कि मैंने कांग्रेस को साधना सीख लिया। यह बात लोहिया जी तक पहुंचा दो। मगर फिर आया मंडल कमंडल का दौर। उस दौर में सियासत को साधने वाले मुलायम सिंह यादव सियासी अखाड़े में दाव पेच अपनाते हैं। राजनीति की धारा को बदलने और गैर कांग्रेसी वादी से गैर भाजपावादी के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं, क्योंकि अब तक राजनीति रही गैर कांग्रेसी वादी की और अब वक्त आ गया था गैर भाजपावादी की राजनीति का। मुलायम सिंह यादव जातियों की राजनीति का वो प्रयोगशाला थी जिसमें बीएसपी को साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग का वो सफल प्रयोग किया जिसमें इतिहास लिखा गया, क्योंकि जातियों के नेताओं को कैसे खड़ा करना है वो मुलायम सिंह यादव को बाखूबी आता था।
जेपी हो या फिर लोहिया या फिर चौधरी चरण सिंह, उन्होंने अपनी जातियों के सहारे राजनीति का वजूद स्थापित नहीं किया। कभी भी जातियों के सहारे ये बड़े नेता नहीं बने। ये बात कांशी राम भी भाप चुके थे, तभी तो वो मुलायम सिंह यादव के साथ आकर खड़े तक हो गए, जो उनके धुर विरोधी हुआ करते थे। 1995 मुलायम सिंह यादव से अलग होकर कांशीराम बीजेपी के साथ जाते हैं। उस वक्त का एक दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाते हैं। तब विधानसभा में कल्याण सिंह से मुलायम सिंह यादव मुखातिब होते हैं। कहते हैं, मैं हार कर भी जीत गया। अब मुलायम कल्याण को कहते हैं कि मैं हार कर भी जीत गया, कोई स्वर्ण वोटर जो हमसे अलग थे वही स्वर्ण वोटर आज मेरे साथ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, कटाक्ष करते हुए मुलायम सिंह यादव आगे दोहराते हैं और कहते हैं कि एक तरफ कुर्सी मुख्यमंत्री की है और दूसरी तरफ कुर्सी नेता विपक्ष की है। ये बताया जाता है विधानसभा के भीतर का किस्सा है। आपके खाते में, कल्याण सिंह को कहते हैं कि आपके खाते में ना तो सीएम की कुर्सी आई और ना ही विपक्ष के नेता की, मैं चला विपक्ष की कुर्सी में बैठे। दिलचस्प बात यह रही कि वही मुलायम थे जब कल्याण को उनकी जरूरत थी, तो मुलायम सिंह राजनीतिक लड़ाई में उनके साथ आकर खड़े दिखाई दिए। 1992 में बाबरी की असल लड़ाई भी मुलायम सिंह यादव ने ही लड़ी। तमाम विरोध के बावजूद भी सियासत ने इस नई लड़ाई की नींव को रखा, क्योंकि मुलायम जानते थे, जो जानते थे वही कर रहे थे और वही हुआ। मुस्लिम वोटों को साधने का प्रयास सफल रहा। कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत की जमीन को खो बैठी। फिर एक दौर पीएम की दावेदारी तक का आया। संसद के भीतर तमाम नेताओं में एक चिंतन चल रहा था, मंथन था इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तमाम नाम सामने आए, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने ये सही था, मगर मुलायम के नाम पर भी चर्चा होती है, लालू के नाम पर भी विमर्श होता है। उस दौर में सबको एक साथ साधने का काम कौन कर रहा था? वो कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव ही थे। जब तमाम शतरफ एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होते थे तो मुलायम सिंह यादव उनकी नुमाइंदगी करते थे। संकेत साफ था, पीएम कोई भी बने, मगर वो चेहरा उत्तर प्रदेश के बिना नहीं चल पाए। यही थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समझाया कि समीकरण की विचारधारा होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने समझाया कि समीकरण की विचारधारा होती है, विचारधारा से समीकरण नहीं होता। यही तो मुलायम सिंह यादव ने सिखाया राजनीति में युवाओं को, जो नेता शतरप के तौर पर आज उभर रहे हैं। उसने अपने वजूद को जब जब आईने में देखा, उसने अपने भीतर मुलायम सिंह यादव का अक्स ही देखा, यानी उसी राजनीति के तले खुद को पाया जो मुलायम सिंह यादव जिसकी नींव रख गए। यही तो थे मुलायम सिंह यादव। हमारी तरफ से इस धरती पुत्र को श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।